नेक्स्ट ज्योग्राफी से क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन फोकस करेंगे। विंध्याचल और सतपुरा के बीच कौन सी नदी बहती है? देखो जी, पूरा नदी वाले क्लास में सारा कुछ बताया गया, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुरा के बीच नर्मदा नदी बहती है। कौन नदी बहती है? नर्मदा नदी, जो कि कहा जाता है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी? 1312 है, तो 13 से कम 12, 13-12। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो कोयला, जो कि गोंडवाना सबसे ज्यादा 98% कोयला गोंडवाना, और 2% टर्सरी युग का पाया जाता है। टर्सरी युग का कोयला पाया जाता है, ठीक है। थाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? थाल घाट दर्रा तो ये महाराष्ट्र में, याद रखो महाराष्ट्र में, याद रखने का काम करेंगे महाराष्ट्र में। तो थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है, और इस दर्रा से होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। तो याद रखे मुंबई कोलकाता मार्ग, तो थाल घाट कौन सा मार्ग है? मुंबई कोलकाता मार्ग। तो ये मुंबई को नासिक से भी जोड़ता है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन मुंबई नासिक, मुंबई नासिक, ठीक है। तो थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में, मुंबई को नासिक से या मुंबई को कोलकाता मार्ग देखने को मिलती है। शिवालिक का जलोर पंख किसे कहा जाता है? शिवालिक का जलोर पंख किसे कहा जाता है? तो भाबर, किसे कहा जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। सैंडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अंडमान निकोबार की, याद रखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर या फीट में 2402 फीट देखने को मिलती है। तो 732 मीटर, याद रखिए 732 मीटर सैंडल पिक की हाइट, 732 मीटर। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो कैसे कपास, कैसे काली, कैसे कपास, ठीक है, कैसे काली, याद रखेंगे, की जाती है। और कपास मालवेसी कुल का सदस्य, अगर पूछ दे कि कपास किस कुल का है, तो मालवेसी कुल का पौधा है, मालवेसी कुल का पौधा है, ठीक है। अब भारत को कपास का जन्मदाता कहते हैं, मतलब कपास की जन्मभूमि हमारा इंडिया। हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो महानदी से, किससे? महानदी से, ठीक है। यह परियोजना भारत की वृहत बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, जिसकी मुख्य संरचना 4.8 किलोमीटर तथा कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, ठीक है। सेंटास पतन को किस नाम से जाना जाता है? सेंटास पतन को किस नाम से जाना जाता है? तो कहुआ पतन, याद रखिए कहुआ पतन, ठीक है। सेंटास पतन को किस नाम से जाना जाता है? कहुआ पतन। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, ठीक है। फिर जैसे आप देखोगे किसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे भारत और चीन दिख रहा है, तो भारत चीन को कौन अलग करती है, जोड़ने का काम करती है? तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। फ्रांस और जर्मनी को मैगी नॉट, क्या जी? मैगी नॉट, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड को हिंडनबर्ग, 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 याद कर रख लीजिए। चीन और भारत
मैकमोहन भारत, फ्रांस जर्मनी, मैग्नोट जर्मनी पोलैंड, हिंडन। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में मेयो के शासनकाल में। देखिए पहली जनगणना, लेकिन इसमें अगर दशकीय जनगणना लिखा रहे या नियमित वर्ड लिखा रहे कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई, ठीक है, तो आप 1881 रिपन के शासनकाल में आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट,